चलिए आज इस डिज़ाइन को बनाते हैं। इस डिज़ाइन को पूरी कार्डिगन पे नीचे से ऊपर तक डाला जा सकता है। इस डिज़ाइन में एक बेसिक रो पड़ेगी और उसके बाद जो रो पड़ेगी सब सारी की सारी रोज जो हैं सेम वैसी ही होंगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने इवन नंबर में फंदे लिए हुए हैं, 16 फंदे लिए हुए हैं। सबसे पहले हम पहले फंदे को इस तरह से स्लिप कर लेंगे, इस तरह से स्लिप करेंगे। उसके बाद धागे पे इस तरह से घुमा के हम एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। इस फंदे को नहीं बनाना है, इसे स्लिप करने के बाद इस तरह से हम एक फंदा इस तरह से बना लेंगे और उसके बाद एक फंदे को हम इस तरह से सिलाई डालते हुए सीधा बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर एक जाली जैसी, जाली वाला फंदा बना लेंगे। एक फंदे को बिना बनाए स्लिप कर लेंगे और उसके आगे वाले फंदे को इस तरह से सिलाई डालते हुए सीधा बना लेंगे। फिर से इस तरह से फंदा बनाएंगे जाली डाल के, उसके बाद वाले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद वाले फंदे को इस तरह से सिलाई डाल के सीधा बनाएंगे। ये बेसिक रो है। यार्न ओवर लाइक दिस, स्लिप वन स्टिच लाइक दिस, नेट वन स्टिच लाइक दिस। एक फंदा जाली डाल के बनाएंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे और एक फंदे को बुन लेंगे इस तरह से। यार्न ओवर, स्लिप, नेट। इसी तरह से हम अपनी बेसिक रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी जो है बेसिक रो जो है कंप्लीट हो गई है। अब जो हम रो डालेंगे वो उसके बाद वाली सारी की सारी रोज सेम वैसी ही होंगी। तो पहले वाले फंदे को हम इस तरह से उठा के स्लिप करेंगे, उसके बाद धागे को सिलाई पर घुमाते हुए हम एक फंदा इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद हम ये नेक्स्ट फंदा और उसके आगे वाले फंदे को जो पिछली सिलाई में हमने जाली डाली थी, ये दो फंदों को बना लेंगे इस तरह से। फिर से जाली डाल के एक फंदे को इस तरह से स्लिप कर लेंगे और उसके बाद वाले दो फंदों को साथ में बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम अपनी पूरी सिलाई को जो है कंप्लीट कर लेंगे। यार्न ओवर, स्लिप वन, निट टू टुगेदर लाइक दिस। एक फंदे को बढ़ा लेंगे जाली बना के, अगले वाले को स्लिप करेंगे, उसके नेक्स्ट टू फंदों को हम इस तरह से इकट्ठा बना लेंगे। फिर से जाली डाल के फंदा बढ़ाना है और एक फंदे को स्लिप करना है और दो फंदों को साथ में बनाते जाना है इस तरह से। यार्न ओवर, स्लिप वन, निट टू। इस तरह से जो है हमने
पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से ये लास्ट में दो इकट्ठे। अब जो रो टू बनाई है हमने, सारी की सारी दोनों साइड से सिलाइयाँ सेम वैसी ही बनेंगी। तो जैसे जैसे आप ये ऊपर तक डालते जाएंगे, ये देखिए ये इस तरह से बनता जाएगा डिज़ाइन। ये दोनों तरफ से बनता जाएगा क्योंकि दोनों तरफ जो है सेम ही डिज़ाइन, सेम ही पैटर्न से सिलाइयाँ हमने रिपीट करते जाना है।